से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हिंदूवादी संगठनों ने एएसआई ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया है, वहीं जमकर नारेबाजी भी की है। पूरा मामला ताजमहल के अंदर नमाज बंद हो या फिर शिवरात्रि को भी जलाभिषेक की अनुमति मिले, अगर नहीं होता है तो सुनवाई कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे। वहीं एएसआई ऑफिस पर पहुंचकर ज्ञापन दिया है और धरना प्रदर्शन भी किया है, जमकर नारेबाजी की है। थी एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें ये पूछा था जो ताजमहल के अंदर जो नमाज हो रही है, किसी मुगल शासक के आदेश से या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑर्डर के आदेश से या भारत सरकार के किस आदेश से हो रही है, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इनको ये बाई हैंड एक ज्ञापन के माध्यम से नोटिस दिया और इनसे कहा इस नमाज को बंद करे, साथ ही हमें जो शिवरात्रि हमारा पावन पर्व आता है उस पर हमें तेजो महल के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में ये ज्ञापन और नोटिस दोनों साथ साथ दिए गए। अच्छा, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? शुक्रवार को नमाज होती है या फिर ताजमहल के अंदर जो भी नमाज होती है, चाहे वो शुक्र को हो या उर्स हो, वो सारी किसी बिना किसी आदेश के हो रही है, वो इलीगल एक्टिविटीज है। एक तरफ आप कहते हैं ये पब्लिक प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है और इसको एएसआई ऑपरेट करती है, तो इसके संदर्भ में कोई भी भारत सरकार का कोई भी आदेश नहीं है, तो ये नमाज किसकी अनुमति से हो रही है, इसको बंद किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगा। हमारे ऐसे अनुपस्थित किसी मीटिंग में बिजी थे, तो ये ज्ञापन लेने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और इन्होंने मुझे भारतीय हिंदू महासभा से उनके ज्ञापन मिला है और अभी हम इसको पढ़ेंगे और आगे हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे। ज्ञापन के माध्यम से मांग क्या करनी है? उन्होंने नमाज ताजमहल में नमाज पढ़ने के लिए कहा है, तो उसको रोका जाए।